हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दुबई में लेबर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने के लिए जो लोग नए लड़के आते हैं उनको 2 से 3 महीने बहुत दिक्कत होती है। तो आगे आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि दुबई में एक लेबर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, कैसे उनका एक एक दिन गुजरता है, और जो लोग नए होते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप नए हैं और दुबई आना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो ग्राउंड पे है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के आप लोगों के साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल बनाना चाहूँ सब्सक्राइब बस अपने घंटी कपड़े का जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वर्कर्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो आपके अंदर एक जुनून होगा कि मैं दुबई जाऊंगा, 2 साल 4 साल अच्छे से रहूंगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन तो क्या रियलिटी है, क्या ग्राउंड पे है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप दुबई आना चाहते हैं नए हैं तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जो ग्राउंड पे है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग नए होते हैं सबसे बड़ी उनकी दिक्कत होती है खाने पीने की। गाइस, यहाँ पे रियलिटी में आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि आज शाम को खाना बनेगा, वही खाना आपको सुबह में खाना है, वही खाना आपको लंच में खाना है, यानी दोपहर को जो 12 बजे 1 बजे लंच होता है वही खाना आपको खाना है, यानी कि एक टाइम बना के आपको 3 टाइम खाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है खाने पीने की दिक्कत होती है। जो लोग नए होते हैं वो कभी मतलब बासी खाना खाते नहीं हैं, घर पे उनके सामने अगर बासी खाना आता है तो फेंक देते हैं, या अगर दिल्ली मुंबई में जॉब करते हैं तो 8 बजे 9 बजे ड्यूटी जाते हैं तो मतलब ताज़ा खाना बना करके लेके जाते हैं। लेकिन जो दुबई में अगर आप आते हैं या कल के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसमें आपको बासी खाना खाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आज शाम को खाना बन जाएगा, वही खाना आपको सुबह में नाश्ते के लिए यूज करना है, वही खाना आपको लंच के टाइम भी यूज करना है, यानी कि आपको एक टाइम बना के 3 टाइम खाना पड़ता है। और दूसरी बात की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सुबह में जगना, यहाँ पे आपको 4 बजे जगना पड़ता है, सुबह में 4 बजे जगना पड़ता है। उसके बाद आप रेडी होंगे और अगर आप 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी चली जाएगी, आपकी एक दिन की दिहाड़ी खलास हो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सुबह में आपको 4 बजे जगना पड़ता है, फिर उसके बाद आप साइट पे जाएंगे तो साइट पे वहाँ पे 10 से 12 घंटे ड्यूटी करेंगे, आपको 8 बजे 9 बजे फिर वापस रूम पे लेके आएगा, फिर खाना है बनाना है, फिर उसके बाद आपको 10 बजे या 11 साढ़े 11 बजे सोना है, फिर सुबह में आपको 4 बजे जगना है, यानी कि आप मुश्किल से 5 से 6 घंटे ही आप सो पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो सुबह में अगर आप उठेंगे तो आपको मतलब बाथरूम में लाइन लगाना पड़ता है, जो पहले ही उठ जाता है तो अच्छे से फ्रेश हो जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो कस जाता है कि हाँ अभी 10 मिनट बाकी है 15 मिनट बाकी है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत होती है, आपको हर जगह लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर कंपनी का मेस है तो उसमें भी आपको लाइन लगाना है, फिर जब ड्यूटी के टाइम जाएंगे तो सिग्नेचर करने के लिए भी लाइन लगाना है, फिर ड्यूटी फिनिश करके यानी कि रूम पे जाएंगे तो पंचिंग के टाइम सिग्नेचर के टाइम उसमें भी लाइन लगाना है, बाथरूम में जाएंगे तो बाथरूम में आपको लाइन लगाना है, यानी कि हर जगह आपको लाइन ही लगाना है, ठीक है ना। तो इससे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बासी खाना खाना पड़ेगा, सुबह में आपको 4 बजे जगना पड़ेगा, यानी कि आपको 4 से 5 घंटे 6 घंटे सोने के लिए टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद आपको ड्यूटी में जाना है, ड्यूटी में जाने के बाद आप 10 से 12 घंटे काम करेंगे, फिर वापस आना है, फिर खाना बनाना है, फिर जाना है। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई टिफिन नहीं लेके जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉलीथीन होती है, यहाँ पे किस मिलती है उसमें खाना पार्सल होता है, वह साथ में आदमी लोग लेकर ड्यूटी जाते हैं, यहाँ पे कोई टिफिन नहीं लेके जाता है। आप लोग सुने होंगे अगर कोई आपके गांव का रहता होगा विदेश में तो बोलता होगा कि मैं चांदी के थाली में खाना खाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, रोज फेंकता हूँ, किसी के मुँह से सुने होंगे आप लोग, बट ऐसा नहीं है। चांदी की थाली वही पॉलीथीन है, पर डे खाता है पर डे फेंकता है, ठीक है। हम भी गाँव में थे तो हम भी बहुत सुने थे, बट रियलिटी यहाँ पे कुछ और ही है। और रूम की बात करें तो यहाँ पे एक रूम में 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी जैसा रूम रहता है उसके हिसाब से आदमी लोग रहते हैं, यानी कि जैसे एक रूम में अगर 5 बेड आ जाता है तो ऊपर नीचे आदमी 10 आदमी हो जाएगा, किसी में 8 आता है तो 16 आदमी हो जाएंगे, ठीक है ना। और किचन में जाएंगे तो किचन में भी आपको लाइन ही लगाना है वहाँ पर खाना बनाने के लिए, जो पहले बस में दौड़ के बैठ जाएगा वो पहले रूम पर चला जाएगा तो पहले अपना चूल्हा पकड़ लेगा और अपना खाना बना लेगा, ठीक है। खाना बनाने के लिए भी लाइन लगाना है, वाशरूम के लिए भी लाइन लगाना है, ड्यूटी आने के टाइम बस में भी लाइन लगाना है, यानी कि हर जगह आपको लाइन लगाना है, ये सब आपको रोज़ फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो लोग बासी खाना नहीं खाते हैं, विदेश आना चाहते हैं, तो भाई हमारे हिसाब से अभी से बासी खाना खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको ताज़ा खाना कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ताज़ा खाना आपको कब मिलेगा, जब आपको शाम को बनाएंगे तभी आपको एक टाइम ताज़ा खाना मिलेगा, नहीं तो आपको पूरा दिन बासी खाना ही मिलेगा। और जो कंपनी का मेस का खाना होता है वो भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 4000-5000 आदमी का खाना बनता है वो खाना कैसा होता होगा, ठीक है। एक मतलब कोई सादे भी या तो है नहीं कि एक दिन बना है तो अच्छे से बना के खिला दो,
हजारों हजारों के आदमी में पर डे खाना बनता है, तो मेस का खाना भी बासी ही होता है, जो बच जाता है उसको सुबह में गर्म करके फिर वही कंपनी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो एक रियलिटी एक राउंड पे, मैं जितना ग्राउंड से बता रहा हूँ आप लोगों को उतना ग्राउंड से आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जो यहाँ पे एक वर्कर के साथ होता है ना, लाइफ स्टाइल कैसी होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और हर एक चीज़ का यानी कि आपको लाइन ही लगाना है, बगैर लाइन से आपको नहीं मिलेगा। और रूम में अगर आप रहते हैं तो एक रूम में अगर 10 आदमी हैं तो 10 आदमी को आपको मैनेज करना पड़ता है, साथ में मैनेज करना पड़ता है, किसी के साथ लफड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कुछ भी मतलब टांग चोरी वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सबको मैनेज भाई की तरह मिल करके रहना है, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर कमाने के लिए आया है। ठीक है, तो एक होती है भी लाइफ स्टाइल होती है कि आपको बासी खाना खाना पड़ेगा, सुबह में आपको 4 बजे जगना पड़ेगा। और डांगरी आप देख ही सकते हैं कि मैं ये वर्दी पहना, ऐसा ही वर्दी हर कंपनी का मिलता है, यानी कि मतलब सबका अलग अलग ड्रेस होता है, तो जो जिस कैटेगरी का होता है उसको उस कैटेगरी का कंपनी उसको ड्रेस प्रोवाइड कराती है। तो ये रियलिटी है, काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई वहाँ पर लाइफ स्टाइल कैसी होती है। देखिए एक लाइफ स्टाइल ये, सुबह में आपको जगना है, 4 बजे जगना है, फिर ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से फिर 9 बजे वापस रूम पे आना है, फिर खाना बनाना है, खाना सोना भी, यानी कि मतलब बस एक आदमी को इतना ही पता होता है दुबई में जो रहता है उसको, रूम से ड्यूटी और ड्यूटी से रूम, इतना ही पता होता है, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं होता है। क्या खुशी होती है, क्या कुछ इस कुछ भी मतलब उसको मतलब नहीं है, बस उसको रूम से ड्यूटी, ड्यूटी से रूम, इतना ही मतलब है। तो गाइस ये रियलिटी है, जब भी आना तो सोच समझ करके आना कि यहाँ पे कुछ आप सोचेंगे। और कुछ आदमी लोग सोचते हैं कि दुबई में जाऊँगा तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, क्रीज से कपड़ा मतलब झाड़ के जाऊँगा, अच्छा से ड्यूटी जाऊँगा, अच्छे से ड्यूटी करके आऊँगा, बॉडी पे मिट्टी नहीं लगेगी। तो बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको मतलब उल्टा एकदम है, यानी कि जो आप सोचते हैं उससे विपरीत यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप अच्छी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि और दोस्तों किसी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले, ताकि जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई है। ठीक है ना, नमस्कार।